स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल फिल्मी मेमोरीज में। आज के वीडियो में बॉलीवुड के फेमस एक्टर अशोक कुमार सर जी के फिल्मी करियर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। उम्मीद हमारी कोशिश आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीवर, इनके एक्टिंग की टॉप मूवीज़ में रही हैं किस्मत, जो कि ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई, और व्यूअर्स, गुमराह इनकी हिट मूवी साबित हुई, और ज्वेल थीफ इनकी सुपर हिट मूवी साबित हुई। व्यूअर्स, इनकी डेब्यू मूवी आई थी सन 1936 में, जिसका नाम था अछूत कन्या। इसमें देविका रानी, अशोक कुमार, मनोरमा, किशोरी लाल लीड कास्ट में थे। इस मूवी को सुपर हिट करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी जिसका नाम था जन्मभूमि। इसमें देविका रानी, अशोक कुमार, प्रमिला और मुमताज अली लीड कास्ट में देखने को मिले। व्यूअर्स, अगली मूवी आई थी 1937 में, इसका नाम था सावित्री। इसमें देविका रानी, अशोक कुमार, चंद्रप्रभा और सुनीता देवी लीड कास्ट में देखने को मिले। अगली मूवी आई थी इसी साल में जिसका नाम था प्रेम कहानी। इसमें अशोक कुमार, एनएम जोशी, बिल्किस एम नाजिर थे। इस मूवी को फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी आई थी इसी साल में इज्जत। इसमें देविका रानी, अशोक कुमार, कामता प्रसाद, चंद्रप्रभा, मुमताज अली लीड कास्ट में देखने को मिले। अगली मूवी आई थी 1938 में जिसका नाम था वचन। इसमें देविका रानी, अशोक कुमार, मुमताज अली, बलवंत सिंह और माया देवी थे। इस मूवी को हिट करार दिया गया। अगली मूवी आई थी इसी साल में जिसका नाम था निर्मला। इसमें देविका रानी, अशोक कुमार, माया देवी, मुमताज अली और सरोज बोरकर थे। ये मूवी एवरेज रही। अगली मूवी आई थी 1939 में कंगन। इसमें अशोक कुमार, लीला चिटनेस, वी एस देसाई और नाना पलसीकर थे। अगली मूवी आई थी इसी साल में बंधन। इस मूवी में लीड कास्ट में थे अशोक कुमार, लीला चिटनेस, पूर्णिमा देसाई, सुरेश साव नवाज। इस मूवी को सुपर हिट करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1940 में, इसका नाम था आज़ाद। इसमें अशोक कुमार, लीला चिटनेस, हंसा वाटकर, मुमताज अली और नाजिर हुसैन थे। ये मूवी हिट साबित हुई। अगली मूवी आई थी 1941 में नया संसार। इसमें अशोक कुमार, रेणुका देवी, शाहनवाज, वी एस देसाई और डेविड अब्राहम लीड कास्ट में थे। इस मूवी को हिट करार दिया गया। अगली मूवी आई थी इसी साल में जिसका नाम था झूला। इसमें अशोक कुमार, लीला चिटनिस, शाहनवाज, अरुणा देवी और मुमताज अली थे। इस मूवी को हिट करार दिया गया। अगली मूवी आई थी इसी साल में अनजान। इसमें अशोक कुमार, देविका रानी, वी एस देसाई, श्री सुरेश, डेविड और अब्राहम लीड कास्ट में देखने को मिले। अगली मूवी आई थी 1943 में, इसका नाम था किस्मत। इसमें अशोक कुमार, मुमताज, शांति, शाहनवाज, चंद्रमा, वी एच देसाई, जगन्नाथ अरोड़ा लीड कास्ट में थे। इस मूवी को ब्लॉकबस्टर करार दिया गया। अगली मूवी आई थी इसी साल में नजमा। इसमें अशोक कुमार, सितारा, विनम कुमार, लाला याकूब, राजकुमारी शुक्ला थे। इस मूवी को हिट करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1944 में जिसका नाम था चल चल रहे नौजवान। इसमें नसीम बानू, रफीक, अशोक कुमार लीड कास्ट में थे। ये मूवी हिट रही। अगली मूवी आई थी इसी साल में किरण। इसमें अशोक कुमार, लीला चिटनिस लीड कास्ट में देखने को मिले। व्यूअर्स, अगली मूवी आई थी 1945 में का नाम था बेगम। इसमें अशोक कुमार, नसीम बानो, विक्रम कपूर, वी एस देसाई लीड कास्ट में देखने को मिले। व्यूअर्स, अगली मूवी आई थी इसी साल में जिसका नाम था हुमायूं। इस मूवी में अशोक कुमार, बिना, नरगिस, केन सिंह थे। ये मूवी हिट रही। अगली मूवी आई थी 1946 में, इसका नाम था एट डे। इसमें अशोक कुमार, वीरा, पारो देवी लीड कास्ट में थे। अगली मूवी आई थी 1946 में शिकारी। इसमें अशोक कुमार, वीरा, किशोर कुमार, पारो, महमूद लीड कास्ट में। ये मूवी हिट साबित हुई। अगली मूवी आई थी 1947 में, इसका नाम था साजन। इसमें अशोक कुमार, रेहाना और लीला मिश्रा लीड कास्ट में देखने को मिले। इस मूवी को हिट करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1948 में पद्मिनी। इसमें अशोक कुमार, मुमताज, शांति और नीलम लीड कास्ट में थे। इस मूवी को हिट करार दिया गया। अगली मूवी आई थी अशोक कुमार की 1949 में महल। इसमें अशोक कुमार, मधुबाला, विजयलक्ष्मी, नीलम, जगन्नाथ थे। इस मूवी को हिट करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1950 में समाधि। इसमें अशोक कुमार, नल्ली जयंत, कुलदीप कौर, श्याम, शशि कपूर, डेविड थे। इस मूवी को सुपर हिट करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1950 में संग्राम। इसमें अशोक कुमार, शशि कपूर, नल्ली जयंत, तबस्सुम, गोविल, मीना थे। ये मूवी हिट साबित हुई। अगली मूवी आई थी इसी साल में जिसका नाम था आधी रात। इस मूवी में अशोक कुमार, नरगिस, जीवनधर, कुलदीप कौर, नीलम थे। ये मूवी हिट साबित हुई। अगली मूवी आई थी इसी साल में जिसका नाम था निशाना। इस मूवी में लीड कास्ट में मधुबाला, अशोक कुमार, श्यामा, गीता बाली, कन्हैया लाल थे। ये मूवी हिट साबित हुई। अगली मूवी आई थी इसी साल में जिसका नाम था मशाल। इसमें अशोक कुमार, सुमित्रा देवी, मोनी चटर्जी, नाना पलसीकर, नीलम थे। अगली मूवी आई थी इसी साल में जिसका नाम था खिलाड़ी।
इस मूवी में सुरैया, अशोक कुमार सुंदर, इंदुरानी कुकू थे। ये मूवी हिट साबित हुई। अगली मूवी आई थी 1951 में, इसका नाम था अफसाना। इस मूवी में अशोक कुमार, वीना, जीवनधर, कुलदीप कौर प्राण थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस अगली मूवी आई थी 1951 में व्यूअर्स, जिसका नाम था दीदार। इसमें नरगिस दत्त, अशोक कुमार, दिलीप कुमार निम्मी थे। इस मूवी को हिट करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1952 में, इसका नाम था राग रंग। इसमें अशोक कुमार, गीता बाली, मदनपुरी, जानकी दास और आगा लीड कास्ट में देखने को मिले। अगली मूवी व्यूअर्स आई थी इसी साल में काफिला। इस मूवी में अशोक कुमार, नल्ली जयंत, मोतीलाल, नाजिर हुसैन, मुमताज अली लीड कास्ट में देखने को मिले। अगली मूवी आई थी इसी साल में जलपरी। इसमें अशोक कुमार, नलिनी जयंत, गीता बाली, विपिन गुप्ता और रामायण तिवारी लीड कास्ट में थे। अगली मूवी आई थी इसी साल में, जिसका नाम था बेवफा। इसमें नरगिस दत्त, अशोक कुमार, राज कपूर और नीलम लीड कास्ट में थे। इस मूवी को एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1952 में, जिसका नाम था बेताब। इसमें अशोक कुमार, गीता बाली, मोतीलाल, नसीम बानू और मुराद लीड कास्ट में देखने को मिले। अगली मूवी आई थी इसी साल में, जिसका नाम था पूनम। इसमें कामिनी कौशल, अशोक कुमार, ओम प्रकाश और सज्जन लीड कास्ट में देखने को मिले। अगली मूवी आई थी इसी साल में सलोनी। इस मूवी में अशोक कुमार, नलिनी जयंत, मोहना जयंत और अचला सचदेव लीड कास्ट में थे। अगली मूवी आई थी 1952 में ही तमाशा। इसमें देवानंद, मीना कुमारी, विपिन गुप्ता, अशोक कुमार, रणधीर थे। ये मूवी सेमी हिट साबित हुई। अगली मूवी आई थी 1952 में ही नौबहार। इसमें अशोक कुमार, नलिनी जयंत, कुलदीप कौर, रणधीर और बद्री प्रसाद लीड कास्ट में थे। अगली मूवी आई थी 1953 में शमशीर। इस मूवी में अशोक कुमार, भानुमति, भगवान पल्लव, स्मृत विश्वास लीड कास्ट में थे। ये मूवी हिट साबित हुई। अगली मूवी आई थी 1953 में ही शोले। इसमें अशोक कुमार, बीना राय, पूर्णिमा और मनमोहन कृष्ण लीड कास्ट में देखने को मिले। अगली मूवी आई थी इसी साल में, जिसका नाम था परिणीता। इसमें अशोक कुमार, मीना कुमारी, शैला कश्मीरी, नासिर हुसैन लीड कास्ट में थे। इस मूवी को हिट करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1954 में लकीरें। इसमें अशोक कुमार, नलिनी जयंत, प्राण, दुर्गा खोटे और सुलोचना लटकल लीड कास्ट में थे। इस मूवी को हिट करार दिया गया। अगली मूवी व्यूअर्स आई थी इसी साल में नाज। इस मूवी में नलिनी जयंत, अशोक कुमार, मुराद, एस नासिर लीड कास्ट में देखने को मिले। अगली मूवी आई थी इसी साल में, जिसका नाम था समाज। इस मूवी में अशोक कुमार, शशिकला, उषा किरण, अनूप कुमार लीड कास्ट में देखने को मिले। अगली मूवी आई थी इसी साल में, जिसका नाम था बादबान। इसमें देवानंद, मीना कुमारी, अशोक कुमार, उषा किरण महमूद, लीला चिटनिस लीड कास्ट में थे। इस मूवी को एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1955 में भागवत महिमा। इसमें किशोर कुमार, अशोक कुमार, निम्मी, श्यामा, ओम प्रकाश और मदनपुरी लीड कास्ट में देखने को मिले। अगली मूवी आई थी इसी साल में सरदार। इसमें अशोक कुमार, बीना राय, जगदीश शेट्टी, निगार सुल्ताना लीड कास्ट में देखने को मिले। अगली मूवी आई थी इसी साल में बंदिश। इस मूवी में अशोक कुमार, मीना कुमारी, विपिन गुप्ता, शमी, इंदिरा बंसल लीड कास्ट में थे। इस मूवी को ब्लबरेज करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1956 में इंस्पेक्टर। इसमें अशोक कुमार, गीता बाली, प्राण, महमूद, कियन सिंह लीड कास्ट में थे। इस मूवी को हिट करार दिया गया। अगली मूवी आई थी इसी साल में भाई भाई। इसमें अशोक कुमार, किशोर कुमार, निम्मी, निरूपा राय थे। इस मूवी को सेमी हिट करार दिया गया। अगली मूवी आई थी इसी साल में शतरंज। इसमें अशोक कुमार, मीना कुमारी, नंदा, राजेंद्र नाथ, लीला मिश्रा लीड कास्ट में थे। इस मूवी को एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी आई थी इसी साल में एक ही रास्ता। इस मूवी लीड कास्ट में अशोक कुमार, मीना कुमारी, सुनील दत्त, जीवनधर, कुमकुम, कुमारी नाज लीड कास्ट में थे। इस मूवी को हिट करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1957 में जीवन साथी। इसमें अशोक कुमार, उषा किरण, अनूप कुमार, जमीन जलील, डेजी ईरानी लीड कास्ट में देखने को मिले। अगली मूवी आई थी इसी साल में शेरू। इस मूवी लीड कास्ट में थे अशोक कुमार, नलिनी जयंत, अनूप कुमार, कुलदीप कौर और ओम प्रकाश लीड कास्ट में देखने को मिले। अगली मूवी आई थी 1957 में ही, जिसका नाम था उस्ताद। इसमें निसार अहमद, कुकू, अशोक कुमार और अनिता गुहा लीड कास्ट में थे। अगली मूवी आई थी इसी साल में, जिसका नाम था मिस्टर एक्स। इस मूवी अशोक कुमार, नलिनी जयंत, रागिनी, प्राण और जॉनी वॉकर लीड कास्ट में थे। इस मूवी को हिट करार दिया गया। अगली मूवी आई थी इसी साल में, जिसका नाम था बंदी। इस मूवी में अशोक कुमार, श्यामा, किशोर कुमार, बीना राय लीड कास्ट में थे। इस मूवी को व्यूअर्स बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट करार दिया गया। अगली मूवी आई थी इसी साल में तलाश। इसमें अशोक कुमार, बीना राय, गजानन जागीदार और चमनपुरी लीड कास्ट में देखने को मिले। अगली मूवी आई थी इसी साल में एक साल। इसमें अशोक कुमार, मधुबाला, जॉनी वॉकर, कुलदीप कौर, मीनू मुमताज लीड कास्ट में थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस सेमी हिट करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1958 में नाइट क्लब। इसमें अशोक कुमार, कामिनी कौशल, मुबारक, निशी कोहली, हेलन लीड कास्ट में देखने को मिले। व्यूअर्स अगली मूवी आई थी इसी साल में, जिसका नाम था रागिनी। इस मूवी अशोक कुमार, किशोर कुमार, पद्मिनी,
नासिर हुसैन थे। इस मूवी को सेमी हिट करार दिया गया। अगली मूवी आई थी इसी साल में जिसका नाम था कारीगर। इसमें अशोक कुमार, निरूपा राय, ओम प्रकाश, ललिता पवार और मुनी मुमताज लीड कास्ट में देखने को मिले। अगली मूवी आई थी इसी साल में जिसका नाम था सवेरा। इसमें अशोक कुमार, मीना कुमारी, विपिन गुप्ता, लीला मिश्रा भी थे। ये मूवी ब्लोवरेज रही। अगली मूवी आई थी इसी साल में जिसका नाम था फरिश्ता। इस मूवी में सोहराब मोदी, अशोक कुमार, मीना कुमारी, अनीता गुहा, महमूद थे। ये मूवी फ्लॉप साबित हुई। अगली मूवी आई थी इसी साल में जिसका नाम था चलती का नाम गाड़ी। इसमें अशोक कुमार, मधुबाला, किशोर कुमार, हेलन लीड कास्ट में थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस सुपर हिट करार दिया गया। अगली मूवी आई थी इसी साल में सितारों से आगे। इसमें अशोक कुमार, राजा सुलोचना, जॉनी वॉकर थे। ये मूवी ब्लोवरेज साबित हुई। अगली मूवी आई थी इसी साल में जिसका नाम था हावड़ा ब्रिज। इस मूवी में मधुबाला, किशोर कुमार, कियन सिंह, ओम प्रकाश, मदनपुरी थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1959 में नाच घर। इसमें अशोक कुमार, अनूप कुमार, शोभा खोटे, हेलन इफ्तिखार लीड कास्ट में थे। इस अगली मूवी आई थी विवर्स 1959 में ही जिसका नाम था बाप बेटा। इसमें अशोक कुमार, श्यामा, चित्रा, ललिता पवार, जगदीप लीड कास्ट में देखने को मिले। अगली मूवी आई थी इसी साल में जिसका नाम था बेदर्द जमाना क्या जाने। इसमें अशोक कुमार, निरूपा राय, प्राण, हेलन और नीलम लीड कास्ट में थे। इस मूवी अगली मूवी आई थी विवर्स 1959 में ही नई राहें। इसमें अशोक कुमार, गीता बाली, अनूप कुमार, शोभा खोटे, नासिर हुसैन और मदनपुरी लीड कास्ट में थे। अगली मूवी आई थी इसी साल में जिसका नाम था कंगन। इस मूवी निरूपा राय, अशोक कुमार, पूर्णिमा, नासिर हुसैन, इफ्तिखार लीड कास्ट में देखने को मिले। अगली मूवी आई थी इसी साल में जिसका नाम था डाका। इस मूवी में अशोक कुमार, निरूपा राय, स्मृत विश्वास और प्राण लीड कास्ट में देखने को मिले। अगली मूवी वर्ष आई थी इसी साल में जिसका नाम था धूल का फूल। इसमें माला सिन्हा, राजेंद्र कुमार, नंदा, अशोक कुमार, मनोहर कृष्णा थे। ये इस मूवी को हिट करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1960 में कल्पना। इसमें अशोक कुमार, पद्मिनी, रागिनी, इफ्तिखार, अचला सचदेव लीड कास्ट में देखने को मिले। अगली मूवी आई थी इसी साल में जिसका नाम था हॉस्पिटल। इस मूवी में भानु बनर्जी, अशोक कुमार, सुचित्रा सेन लीड कास्ट में थे। अगली मूवी आई थी इसी साल में जिसका नाम था आंचल। इस मूवी में लीड कास्ट में अशोक कुमार, निरूपा राय, नंदा, सुरेश कुमार, ओम प्रकाश और ललिता पवार लीड कास्ट में थे। इस मूवी को ब्लोवरेज करार दिया गया। अगली मूवी आई थी इसी साल में मासूम। इसमें अशोक कुमार, मनोहर कृष्णा और गौतम लीड कास्ट में थे। अगली मूवी आई थी विवर्स इसी साल में जिसका नाम था कानून। इसमें राजेंद्र कुमार, अशोक कुमार, नंदा, महमूद, ओम प्रकाश थे। इस मूवी को सेमी हिट करार दिया गया। अगली मूवी आई थी इसी साल में जिसका नाम था काला आदमी। इसमें अशोक कुमार, श्यामा, जॉनी वॉकर, राज मेहरा, महमूद लीड कास्ट में देखने को मिले। इस मूवी को ब्लेवरेज करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1961 में डार्क स्ट्रीट। इसमें अशोक कुमार, केएन सिंह, अनूप कुमार, इफ्तिखार और निशी कोहली लीड कास्ट में देखने को मिले। वीवर्स इनकी अगली मूवी आई थी इसी साल में जिसका नाम था फ्लैट नंबर 9। इसमें हेलन, सईदा खान, अशोक कुमार, दिनेश कुमार लीड कास्ट में देखने को मिले। वीवर अगली मूवी आई थी इनकी इसी साल में वारंट। इस मूवी में अशोक कुमार, हेलन, राज मेहरा और शकीरा लीड कास्ट में देखने को मिले। वीवर्स अगली मूवी आई थी इनकी इसी साल में धर्मपुत्र। इसमें माला सिन्हा, शशि कपूर, अशोक कुमार, देवन रमा थे। इस मूवी को सुपर हिट करार दिया गया। अगली मूवी आई थी इसी साल में करोड़पति। इसमें अशोक कुमार, शशिकला, कुमकुम, किशोर कुमार, इंदिरा बंसल लीड कास्ट में देखने को मिले। इस मूवी को फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1962 में इसी का नाम दुनिया है। इसमें अशोक कुमार, श्यामा, महमूद, केएन सिंह, नासिर हुसैन लीड कास्ट में देखने को मिले। वीवर्स अगली मूवी आई थी 1962 में जिसका नाम था नकली नवाब। इसमें अशोक कुमार, मनोज कुमार, शकीला, केएन सिंह देखने को मिले। इस मूवी को फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी आई थी इसी साल में जिसका नाम था मेहंदी लगी मेरे हाथ। इसमें अशोक कुमार, नंदा, शशि कपूर, अचला सचदेव लीड कास्ट में थे। इस मूवी को फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1962 में ही बर्मा रोड। इस मूवी में अशोक कुमार, शेख मुख्तार, कुमकुम, विजया चौधरी और मुराद लीड कास्ट में देखने को मिले। अगली मूवी आई थी इसी साल में जिसका नाम था बेजुबान। इसमें अशोक कुमार, निरूपा राय, आरुण कुमार और डेविड लीड कास्ट में देखने को मिले। वीवर्स अगली मूवी आई थी इसी साल में जिसका नाम था प्राइवेट सेक्रेटरी। इसमें अशोक कुमार, जयश्री, राजा गौसिप, मोहन चोटी, पूर्णिमा लीड कास्ट में थे। अगली मूवी आई थी इसी साल में उम्मीद। इस मूवी में अशोक कुमार, जॉय मुखर्जी, नंदा, लीला मिश्रा, आगा लीड कास्ट में थे। इस मूवी को फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी आई थी इसी साल में राखी। इस मूवी में अशोक कुमार, वहीदा रहमान, प्रदीप कुमार, राज मेहरा, रणधीर, मदनपुरी लीड कास्ट में थे। इस मूवी को फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी आई थी इसी साल में आरती। इस मूवी अशोक कुमार, मीना कुमारी, प्रदीप कुमार, शशिकला,
केस्टो मुखर्जी लीड कास्ट में देखने के लिए। इस मूवी को हिट करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1963 में गृहस्थी। इस मूवी में अशोक कुमार, निरूपा राय, राजेश कुमार, मनोज कुमार थे। इस मूवी को अब एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1963 में मेरे महबूब। इसमें अशोक कुमार, राजेंद्र कुमार, साधना शिवदासानी, निम्मी, जॉनी वाकर थे। ये मूवी सुपरहिट साबित हुई। अगली मूवी आई थी 1963 में उस्तादों के उस्ताद। इसमें अशोक कुमार, प्रदीप कुमार, शकीला, शेख मुख्तार, जॉनी वाकर लीड कास्ट में देखने को मिले। वीवर्स, अगली मूवी आई थी इसी साल में, ये रिश्ते हैं, ये रास्ते हैं प्यार के। इसमें अशोक कुमार, सुनील दत्त, लीला नायडू, मोतीलाल, रहमान, शशिकला लीड कास्ट में थे। ये मूवी एवरेज साबित हुई। अगली मूवी आई थी इसी साल में गुमराह। इस मूवी में अशोक कुमार, माला सिन्हा, सुनील दत्त, निरूपा राय, शशिकला, देवन वर्मा लीड कास्ट में थे। इस मूवी को हिट करार दिया गया। अगली मूवी आई थी इसी साल में जिसका नाम था बंदिनी। इस मूवी में लीड कास्ट में अशोक कुमार, नूतन, धर्मेंद्र, तरुण बोस लीड कास्ट में देखने को मिली। इस मूवी को सेमी हिट करार दिया गया। अगली मूवी आई थी इसी साल में जिसका नाम था आज और कल। इसमें अशोक कुमार, सुनील दत्त, नंदा, तनुजा, देवन वर्मा लीड कास्ट में थे। इस मूवी को एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी आई थी इसी साल में जिसका नाम था मेरी सूरत तेरी आंखें। इस मूवी अशोक कुमार, प्रदीप कुमार, आशा पारेख, कन्हैया लाल, अचला सचदेव लीड कास्ट में थे। इस मूवी को हिट करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1964 में बेनजीर। इस मूवी में मीना कुमारी, अशोक कुमार, शशि कपूर, तनुजा, निरूपा राय लीड कास्ट में थे। ये मूवी फ्लॉप साबित हुई। अगली मूवी आई थी 1964 में जिसका नाम था पूजा के फूल। इसमें अशोक कुमार, माला सिन्हा, धर्मेंद्र, संध्या राय, निम्मी, प्राण और मोहन चोटी थे। इस मूवी को एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी आई थी इसी साल में चित्रलेखा। इस मूवी अशोक कुमार, मीना कुमारी, प्रदीप कुमार, महमूद, मीनू, मुमताज, अचला सचदेव थे। इस मूवी को एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1964 में जिसका नाम था दूज का चांद। इसमें राजकुमार, सरोजा देवी, अशोक कुमार और आगा लीड कास्ट में देखने को मिले। अगली मूवी, ये मूवी एवरेज साबित हुई। अगली मूवी आई थी इसी साल में जिसका नाम था फूलों की स्टेज। इसमें वैजयंती माला, अशोक कुमार, निरूपा राय, ललिता पवार, महमूद लीड कास्ट में थे। इस मूवी को एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1965 में ऊंचे लोग। इसमें अशोक कुमार, राजकुमार, फिरोज खान, कन्हैया लाल लीड कास्ट में थे। इस मूवी को एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1965 में आकाशदीप। इसमें धर्मेंद्र, अशोक कुमार, नंदा, महमूद, निम्मी थे। ये मूवी फ्लॉप साबित हुई। अगली मूवी आई थी 1965 में शेर चटा। इसमें अशोक कुमार, मधु आप्टे, ये पंजाबी भाषा की मूवी थी। अगली मूवी आई थी 1965 में बहु बेटी। इसमें अशोक कुमार, माला सिन्हा, जॉय मुखर्जी, मुमताज महमूद लीड कास्ट में थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी आई थी इसी साल में आधी रात के बाद। इसमें अशोक कुमार, रागिनी, शैलेश कुमार, मुराद, आगा, पद्मा चौहान लीड कास्ट में देखने को मिले। वीवर्स, अगली मूवी आई थी इसी साल में जिसका नाम था भीगी रात। इस मूवी में अशोक कुमार, मीना कुमारी, प्रदीप कुमार, कामिनी कौशल, आईएस जौहर लीड कास्ट में थे। इस मूवी को हिट करार दिया गया। अगली मूवी आई थी इसी साल में जिसका नाम था नया कानून। इसमें अशोक कुमार, वैजयंती माला, भारत भूषण, ओम प्रकाश, लीला मिश्रा लीड कास्ट में थे। इस मूवी को फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी आई थी इसी साल में चांद और सूरज। इस मूवी में अशोक कुमार, धर्मेंद्र, निरूपा राय, तनुजा लीड कास्ट में देखने को मिले। इस मूवी को फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1966 में ये जिंदगी कितनी हसीन है। इसमें सायरा बानो, जॉय मुखर्जी, अशोक कुमार, मनमोहन कृष्णा, बद्री प्रसाद लीड कास्ट में थे। ये मूवी एवरेज साबित हुई। अगली मूवी आई थी इसी साल में जिसका नाम था तूफान में प्यार कहाँ। इस मूवी में अशोक कुमार, नलिनी जयंत, अचला सचदेव, जयश्री टी, शशिकला लीड कास्ट में देखने को मिले। अगली मूवी आई थी इसी साल में जिसका नाम था दादी माँ। इसमें अशोक कुमार, बीना राय, रेहाना, मुमताज, शशिकला थे। इस मूवी को सेमी हिट करार दिया गया। अगली मूवी आई थी इसी साल में जिसका नाम था अफसाना। इसमें अशोक कुमार, प्रदीप कुमार, पद्मिनी, हेलन, अनवर हुसैन लीड कास्ट में देखने को मिले। वीवर्स, अगली मूवी आई थी इसी साल में जिसका नाम था ममता। इस मूवी में अशोक कुमार, धर्मेंद्र, सुचित्रा सेन, डेविड डनाहम और छाया देवी लीड कास्ट में थे। इस मूवी को हिट करार दिया गया। अगली मूवी आई थी 1967 में ज्वेल थी। इसमें अशोक कुमार, देवानंद, वैजयंती माला, तनुजा, हेलन और नसीम हुसैन लीड कास्ट में थे। इस मूवी को सुपरहिट करार दिया गया। अगली मूवी आई थी इसी साल में जिसका नाम था नई रोशनी। इस मूवी अशोक कुमार, माला सिन्हा, राजकुमार, विश्वजीत चटर्जी लीड कास्ट में थे। इस मूवी को एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी आई थी इसी साल में जिसका नाम था बहु बेगम। इस मूवी में लीड कास्ट में अशोक कुमार, प्रदीप कुमार, मीना कुमारी, ललिता पवार, जॉनी वाकर थे। इस मूवी को एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी आई थी व्यूवर्स मेहरबान। इस मूवी में लीड कास्ट में थे अशोक कुमार, सुलोचना लटकर, सुनील दत्त,
रमेश देव शर्मा इस मूवी को हिट करार दिया गया। तो व्यूवर्स, ये 1936 से 1967 तक के अशोक कुमार जी की एक्टिंग में बनने वाली मूवीज़ का बॉक्स ऑफिस एनालिसिस था। इनकी एक्टिंग में बनने वाली मूवीज़ में से कौन सी मूवी आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, कौन सी मूवी आपकी फेवरेट मूवी रही, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और किस एक्टर या एक्ट्रेस या प्रोड्यूसर डायरेक्टर या फिर किस प्रकार का वीडियो आप देखना चाहते हैं, इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। व्यूवर्स, हम वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर फुल वीडियो वॉचिंग।